ईद के मुबारक मौके पर घाटी में हिंसा की आग शांत नहीं हुई है। आज बांदीपुर जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। बांदीपुर के अलावा श्रीनगर के कई हिस्सों में भी हिंसा हुई। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। घाटी में सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बकरीद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर अशांति ना फैले, इसलिए कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सुरक्षा बल चौपर और ड्रोन से भी नजर रख रहे हैं, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। राज्य सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं अगले 72 घंटे तक बंद रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बुरहान वानी की मौत के बाद से ही कश्मीर अशांत है। वैसे ये पहली बार है जब ईद के मौके पर घाटी में कर्फ्यू लगा है, लेकिन आज के दिन भी घाटी में हिंसा हुई। वैसे इसकी भनक राज्य सरकार को पहले से थी, तभी घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार शांति के प्रयास कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब घाटी पटरी पर लौटेगी। देखते रहिए टीवी लाइव।